हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सपना सिंपल ब्लॉग। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी दोपहर का समय है, 12 बजा है और लाइट नहीं है और मैं अभी बेडरूम में हूँ, सब्जी काट रही हूँ क्योंकि मैं बेडरूम में ही काटती हूँ टीवी देखते देखते। लेकिन आज लाइट नहीं है, लेकिन आदत है मुझे बेडरूम में ही काटने की, तो मैं वहीं काट ली सब्जी। और अब मैं किचन में आ गई और गर्मी बहुत है, उमस वाली गर्मी है, तो मैं किचन में फटाफट चाह रही हूँ कि मेरा खाना बन जाए। तो आज है कद्दू की सब्जी और चावल, और सुबह मैंने नाश्ते में बनाए थे करेले की भुजिया, वो बस यही खाना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो किचन में रहने का मन ही नहीं हो रहा है और लाइट भी बहुत देर से नहीं है। और ये प्रांजल नाश्ता कर ली, और मैंने सुबह अंडे उबाले थे तो बच्चों ने वो खाए नहीं थे। और मैं अभी पीछे वाले बालकोनी में हूँ, चावल चुन रही हूँ और साथ साथ मैं किचन के और भी काम कर रही हूँ मैं, ताकि मेरा काम किचन का जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब वो गर्मी होता है ज़्यादा तो फिर किचन का काम करने में मन भी नहीं लगता। इसलिए मैं फटाफट चाह रही हूँ कि मेरा खाना बन जाए। और अभी लाइट आ गया, मैं बेडरूम में ही आ गई और सब्जी के लिए तड़का लगाना है, कद्दू की सब्जी है तो मैंने उबाल लिया है चने की दाल के साथ, तो अब बस तड़का लगाना है, तो बस वही कर रही हूँ मैं। और तड़का में प्याज लहसुन और मिर्च अदरक बस यही चाहिए होगा। और मैं सबको भून लूंगी। मेरा सब्जी तैयार हो गया और सबने खा लिया है। अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और मेरे कपड़े सूख गए हैं और बारिश जैसा मौसम हो रहा है बाहर, क्लाउडी क्लाउडी, तो मैं कपड़े अपने उठा ले रही हूँ और मैं इसको प्रेस नहीं करूँगी, फोल्ड कर कर के और मैं रख दूँगी, क्योंकि कैजुअल कपड़े डेली यूज़ के तो मैं प्रेस नहीं करती। और ये वैसे कपड़े नहीं है जिसमें सिलवटे आ जाए, ये बिना प्रेस के भी चलता है। और मैं मेरा प्रांजल का और ईशु का कपड़ा मैं फोल्ड कर कर के और अलग अलग रख देती हूँ, इन्हें पता होता है कि कहाँ मेरा है कहाँ ईशु का है। और ये मेरा डेली का है, मैं अलग अलग कपड़े रखती हूँ ताकि मुझे निकाल कर देना ना पड़े। जब ये नहाने जाते हैं अपना कपड़ा ले लेते हैं, अगर एक साथ मिक्स रहेगा तो फिर मुश्किल मुझे ही देना होगा, तो इसलिए मैं सबका कपड़ा अलग अलग करके और रख दे रही हूँ। और इन लोग को बताया हुआ है कि कहाँ है तुम्हारा प्रांजल का, कहाँ है ईशु का प्रांजल का और मेरा। मैं अपना अलग अलग करके रख दे रही हूँ कवर में। और सुबह ड्यूटी से आते समय हरी मिर्च लाए थे तो मैं इसके डंठल तोड़ लेती हूँ, जब भी ये लाते हैं तो मैं डंठल तोड़ कर ही रखती हूँ फ्रिज में ताकि ये खराब ना हो, लेकिन इसमें पहले से ही बहुत सारे खराब हैं, तो मैं बस अच्छे वाले को छांट लूंगी और खराब को फेंक दूंगी। वैसे मैं ज़्यादा है, मैंने कम ही मंगाया था लेकिन ये ज़्यादा लेकर आ गया। मैं सोच रही थी अचार बना दूं मिर्ची का, लेकिन अभी बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में फिर अचार अच्छा नहीं होगा, खराब हो जाएगा। मैंने आम का बनाया था तो वो भी बारिश के मौसम में बनाया था तो ख़राब हो गया था, इसलिए मैं इसको बस डंडी तोड़ तोड़ के ही रख देती हूँ फ्रिज में। और ये करते करते मेरा 4:30 बज गया कपड़े फोल्ड करते और ये सब करते। उसके बाद मैंने चाय बना कर दिया अपने हस्बैंड को, क्योंकि ये ड्यूटी जाने के लिए, ये सुबह जाते हैं 7:30 बजे और फिर शाम को जाते हैं 5 बजे, तो अभी ये जाने के लिए तैयार हैं। और बस मैंने मिर्ची तोड़ लिया, मैं इसको अच्छे से फ्रिज में रख दूंगी, धोऊंगी नहीं, धोने से फिर खराब हो जाएगा पन्नी में भर के, और ऐसे रखने से ज़्यादा दिन चल जाता है, अगर डंडी नहीं तोड़ा हुआ रहेगा तो जल्दी ही खराब हो जाएगा, इसलिए मैं डंडी तोड़ लेती हूँ। और लाल वाले मिर्ची को मैंने अलग रख लिया है, वो तड़के में काम आएगा। और ये कभी कभी मैं फ्राई करके भी हरी मिर्ची को खाने के साथ लेती हूँ और फिर ऐसे भी, और वो लाल मिर्च में तड़के दाल या सब्जी में जो तड़का लगाऊंगी उसके लिए अलग से कर दिया।
और ये कुछ सामान है जो मैं डब्बे में अपना मूढ़ी मिक्सचर बिस्किट वगैरह है मूंगफली, तो ऐसे था खोलकर बच्चों ने रख दिया था, तो मैं इसे डब्बे में भर देती हूँ नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और बिस्किट तो बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाता है बारिश का सीज़न है, तो मूढ़ी का इतना नहीं है, वो इतना जल्दी नहीं होता, लेकिन बिस्किट तुरंत ही हो जाता है, घंटों में ही ख़राब हो जाता है। और ये मूंगफली है तो मैं सोच रही थी इसको सुखा दूँ, थोड़ा धूप लगा दूँ, लेकिन अभी मौसम वैसा नहीं है तुरंत धूप तुरंत छाया, तो इसीलिए मैं इसको अभी भर के रख दे रही हूँ। हॉर्लिक्स के डब्बे में ही भर कर रख दे रही हूँ क्योंकि मैंने साफ किया था। और बस इसी के साथ समाप्त होता है मेरा ब्लॉग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मैं अपने रोज का रूटीन दिखाती हूँ अपने ब्लॉग में, मैंने दिन भर में क्या क्या किया। लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि मेरा ब्लॉग कैसा लगता है।